क्लस्टर यूनिवर्सिटी में दाखिला न मिलने पर छठे दिन भी जम्मू में बवाल, प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग में पकड़ा जोर, सुनवाई न होने पर मुलाजिमों ने किया बड़ा आंदोलन शुरू करने का ऐलान। ऑप्ट्राय पोस्ट पर रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत का काउंटडाउन शुरू, सुचेतगढ़ में 2 अक्टूबर से बीएसएफ जवान करेंगे कदम तार, कारोबार बढ़ने की खुशी में लोगों के खिल उठे चेहरे। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौधरी। पेश हैं अब तक के समाचार। क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू द्वारा दाखिले की क्षमता न बढ़ाए जाने का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और पिछले 6 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्रों ने आज क्लस्टर यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर सड़क मार्ग को जाम करने की कोशिश भी की, जिस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। छात्रों का आरोप है कि 90% अंक लेने वालों को भी क्लस्टर यूनिवर्सिटी द्वारा मायूस किया जा रहा है, जिससे उनका भविष्य दाव पर लग गया है। उन्होंने उपराज्यपाल से मांग की है कि इस अड़ियल रवैये को अपनाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और ये प्रदर्शन विद्यार्थियों द्वारा 6 दिन से लगा जा रहा है, जिसमें हायर एजुकेशन अथॉरिटी को चिंतन करना पड़ेगा, क्लस्टर यूनिवर्सिटी को चिंतन करना पड़ेगा कि विद्यार्थी जो 18,000 फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं उनको अभी तक एडमिशन क्यों नहीं दी जा रही। क्या नाकामी है हायर एजुकेशन अथॉरिटी के, सेक्रेटरीट की, सेक्रेटरी एजुकेशन अथॉरिटी की क्या नाकामी है? क्यों अभी तक इन बच्चों को तर बतर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं? क्यों अपनी कभी ये मार्कशीट चला रहे हैं? क्यों हायर एजुकेशन का पुतला फूका जा रहा है? ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं डिविजनल कमिश्नर को, ज्ञापन सौंपा जा रहा है माननीय वाइस चांसलर को, और जब माननीय वाइस चांसलर से विद्यार्थियों की बात होती है इनके कैपेसिटी ऑफ सीट्स को बढ़ाया जाए तो वहां क्या बोला जाता है क्लस्टर यूनिवर्सिटी द्वारा, क्लस्टर यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर द्वारा वहां ये शब्द ये कहते हैं कि आप जितने मर्जी प्रदर्शन करो मैं आपके दबाव में नहीं आने वाला। यही की डिमांड करते हैं माननीय एलजी साहब से आपकी मीडिया के माध्यम से कि इनके कैपेसिटी ऑफ सीट्स को बढ़ाया जाए और इन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर नकेल कसी जाए, जो एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है कि आप विद्यार्थी यहाँ पब्लिसिटी करने आते हो, पब्लिसिटी स्टंट करने आते हो, यहाँ पे विद्यार्थियों को एडमिशन नहीं दिलाने आते। अरे ये विद्यार्थी पब्लिसिटी स्टंट करने आए हैं यहाँ पे लगातार 6 दिनों के प्रदर्शन करते हुए। मैं माननीय मुख्य मान यही करूंगा जल्द से जल्द ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन को बर्खास्त किया जाए और माननीय एलजी साहब से इनके ऊपर कार्रवाई की जाए और बच्चों की इंटेक कैपेसिटी ऑफ सीट। पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है और नेशनल ओल्ड पेंशन रिट्रेशन फ्रंट ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया है कि नई पेंशन स्कीम के तहत रिटायर मुलाजिमों को नाम मात्र पेंशन दी जा रही है, जिसका उनसे गुजारा बेहद मुश्किल हो रहा है और बच्चों की शादी ब्याह करना भी उनके लिए मुहाल हो गया है। फ्रंट के प्रधान गुल्ज बेर ने पुरानी पेंशन स्कीम को जल्द बहाल करने की भी मांग के साथ साथ ये चेतावनी भी दी है कि यदि ऐसा ना हुआ तो एक बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। आप देखते हैं कि हमारे जो बुढ़ापे में जो लोग रिटायर होते हैं उनके फैमिली के साथ कितना, उनकी जिंदगी के साथ कितना धोखा होता है, लेकिन जिस आदमी को नौकरी ही नहीं मिली, उस जिसको पेंशन ही नहीं मिली, वो क्या कर जिंदगी गुजारेगा? इसलिए हम कहते हैं कि जब दवाइयों की जरूरत होती है, कहीं हमारे कर्मी आज देखे जो रिटायर हुए उनकी बच्चियों की शादियां नहीं हो पाई, उनकी लड़कियां शादियों के बिना रह गई है। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे ऑनरेबल जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रयास किए हैं जिससे यहाँ हिंदुस्तान में बहुत ही अच्छी अचीवमेंट हुई है। हम चाहते हैं कि हमारे जी जो जम्मू कश्मीर एलजी महोदय हैं और हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री हैं, वो जल्द से जल्द जो सरकारी निवेश, जो हमारा पैसा है जो प्राइवेट कंपनियों में जाता है, वो अपने तौर पर सरकार के बीच में पैसा रहे, हम उसको हम महफूज मानते हैं। अगर प्राइवेट कंपनी में जो निजी कंपनियों में ये पैसा जा रहा है, ये हम डूब रहे हैं टाइम टू टाइम। इसलिए मैं आपके माध्यम से आज यहाँ जितने भी ये हमारे कर्मी जो लोग आए हैं इनका मैं वेलकम करता हूँ। आने वाले दिनों में अगर पेंशन को बहाल करने का प्रयास नहीं किया गया तो जम्मू कश्मीर में हम इस वक्त कोविड के माहौल को देखते हुए जितना भी हो सकेगा। भारत पाक सीमा की जीरो लाइन पर स्थित सुचेतगढ़ में अमृतसर के बाघा बॉर्डर की तर्ज पर रिट्रीट सेरेमनी की 2 अक्टूबर गांधी जयंती को होने जाने की शुरुआत से स्थानीय लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। स्थानीय प्रशासन ने भी बीएसएफ के साथ मिलकर इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। खास बात तो यह है कि रिट्रीट सेरेमनी के शुरू होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी बेहद सुधार होगा। अभी तक तय कार्यक्रम के अनुसार जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा 2 अक्टूबर की शाम को इस सेरेमनी का उद्घाटन
अनाउंसमेंट करेंगे और इसके बाद रोजाना यहां पर ये सेरेमनी आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ में यहाँ बीएसएफ दो ऊपर गांधी जयंती के दिन यहाँ रिट्री रिट्री सेरेमनी शुरू करेगी। इस बार तो ये किस्म का समझो बाघा बॉर्डर की तरह ही परेड होगी यहाँ, तो उस परेड को देखने के लिए शुरुआत हो रही है। हमारे माननीय एलजी साहब आ रहे हैं, उसके साथ बाकी ऑफिसर्स आ रहे हैं। तो ये अपनी किस्म की एक नई किस्म की चीज़ होगी जम्मू वालों के लिए। जम्मू के लोग हैं जो वो बाघा बॉर्डर पर देखने जाते हैं परेड को, तो जहाँ अगर शुरू हो जाता है हमारा प्रोग्राम ये बॉर्डर खुल जाता है, तो नहीं भी खुलेगा तो ये परेड इनकी रेगुलरली चलती रहेगी। इससे लोकल लोगों का जो है उनकी इकॉनमी में भी फर्क पड़ेगा, दुकानदारों को फर्क पड़ेगा, उनकी इकॉनमी बढ़ेगी, उन लोगों के लिए ट्रेड बढ़ेगा और हमारे जो लोकल लोग हैं यहाँ के पीछे के जो भी हैं उनको जहाँ बीजेपी तो बॉर्डर टूरिज्म को ये एक बूस्ट मिलेगा। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने ये काफ़ी वहाँ बंदोबस्त किया हुआ है, तो इससे ये काफ़ी अच्छा रहेगा, कारोबार चलेगा, दुकानें खुलेंगी, टूरिस्ट आएंगे, हमारे को बहुत फायदा हो जाएगा, रोड भी अच्छा बन जाएगा जी। हाँ, ये बाघा बॉर्डर जो परेड होती है इस बॉर्डर पर भी परेड होया करेगी, परेड डेली चला करेगी। इधर इसका मैं बहुत बहुत स्वागत करता क्योंकि ये जो रोजगार है ये साढ़े लोगों का काफ़ी सारा बढ़ेगा, क्योंकि बाहर तो जो टूरिस्ट आएगा वो जो टूरिस्ट आएगा इतने साढ़े लोगों को बेनीफिट होएगा, क्योंकि अं भी इतने रोड के ऊपर ही साडा मकान है तो अं इसका स्वागत करने हैं। ये बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत बहुत अं बड़े खुश हैं गोरमेंट की स्कीम साढ़े इतना बार्डर से आएगा। जिहड़े साडे गरीब लोग ने इन्हां नूं रोज़गार मिलेगा, जिहड़ियां दुकानां ने छोटी छोटिया दुकानां ने इन्हां दा भी रोज़गार बधेगा, तो ये बहुत अच्छी गोरमेंट की स्कीम है। आम पब्लिक को फायदा हो जाएगा कि जैसे उधर बनेगा कोई माना काम चलेगा काफ़ी, तो लोगों की दुकानें वगैरह बनेंगी, लोगों का कुछ आने जाना आम पब्लिक को भी फायदा हो जाएगा। लोगों की जैसे बासमती वगैरह लोगों को पता नहीं है तो उधर से बासमती वगैरह भी लोगों का उधर से लोगों की दो 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 चार चार किलो लोग बाहर से आते हैं खरीद के ले जाएंगे। रामबन में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने अब नकेल कसना शुरू कर दी है। इस अभियान के तहत एआरटीओ रामबन के शफकत मजीद की अगुवाई में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर नाका लगाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। खास बात तो यह है कि इस अभियान के दौरान तेज रफ्तार से गाड़ियां चलाने वालों को भी सबक सिखाया जा रहा है। रामबन और बनिहाल के बीच में इसमें आज हम चेकिंग कर रहे हैं डिफरेंट स्पॉट्स पे, इसमें हम गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। मैक्सिमम उसमें मोस्टली जो है पैसेंजर गाड़ियां जो हैं जैसे टवेरा होगी, सुमो हैं, बसेस हैं, इसमें हम खासकर देख रहे हैं कि एक गाड़ियों में स्पीड लिमिटिंग डिवाइस लगता है SLD जिसे कहते हैं, जो कि गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करता है, गाड़ी ओवर स्पीड नहीं होने देता है, तो उसको हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे। और हमने देखा कि काफ़ी गाड़ियाँ हैं जो सुमो वगैरह, उन्होंने क्या किया कि गाड़ी की जो स्पीड लिमिटिंग डिवाइस को निकाल दिया हुआ है, जिसकी वजह से वो ड्राइवर जो है गाड़ी की ओवर स्पीड करते हैं और जो कहीं ना कहीं जाके एक्सीडेंट का कारण बनता है। तो आज की चेकिंग का हमारा खास जो है रीज़न वो यही है कि जो ऐसी गाड़ियां हैं जो कि SLD को टेंपर करती हैं उनको हम पकड़ें और उनका चलान। जम्मू यूनिवर्सिटी की नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज यूनियन के नव नियुक्त प्रधान विजय कुमार ने उन्हें चौथी बार ये जिम्मेदारी मिलने पर अपने सहयोगियों का आभार भी जताया है। यूनियन के चुनाव 27 सितंबर को हुए थे और आज उन्हें उनके सहयोगियों ने सम्मानित करके उनका मान भी बढ़ाया है। विजय कुमार ने आश्वासन दिया है कि यूनियन की नई टीम नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज की हर जायज मांग को पूरा करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और उनको ये आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि जो आपने ये टीम चुन के भेजी है, जितने भी आपकी डिमांड्स जो पेंडिंग पड़ी है, हम पुरजोर कोशिश करेंगे और आपके जितने भी मसले हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। तमाम नॉन गजेटेड एम्प्लॉयज यूनियन एंड प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंक्लूडिंग इलेक्शन टीम, इलेक्शन कमिश्नर, सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। शुक्रिया, धन्यवाद। विकलांग छात्र ट्रस्ट द्वारा अखनूर 154 फ्री कैंप वहां पर लगाया गया और इसमें डॉक्टर सतीश गुप्ता की टीम ने आंखों के रोगों से ग्रस्त लोगों की जांच करके उनमें दवाइयां व चश्मे भी वितरित किए हैं। इस मौके पर मौजूद समाजसेवी मदन लाल वर्मा ने बताया है कि ट्रस्ट के संस्थापक सत्यपाल सराफ के दिशा निर्देश पर इस कैंप का आयोजन किया गया है और उन्होंने ये भी कहा है कि जांच के बाद जिन मरीजों को ऑपरेशन की जरूरत है उन मरीजों के ऑपरेशन
जिला अस्पताल अखनूर में भी किए जाएंगे। दूसरी ओर कैंप में शामिल डॉक्टर चांदनी अरोड़ा ने बताया है कि इस कैंप में मोतियाबिंद के मरीजों की संख्या अधिक थी और जिन्हें ऑपरेट के साथ साथ बिना किसी शुल्क के लेंस भी डाले जाएंगे। आपे तो आई नहीं सकते हैं उनकी सरगर्दी मियाँ है देखभाल करना ये कोई अज तक 50 बंदे ने सिलेक्ट कर लिए जिन्हें ऑपरेशन होने आया कुछ करा दें लोग दवाइया सब कुछ फ्री दे रहे हैं अस ऑपरेशन भी फ्री होग एनक भी फ्री दवाइया फ्री हर एक चीज़ फ्री देनी है और जो इनको नजर की प्रॉब्लम है जिनको देखने में नजर है कम है दूर की या पास की उनके लिए हमारे पास पूरे छतिया बैठे हैं उनको चश्मे भी साथ में दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा के लिए भाजपा महिला मोर्चा द्वारा जम्मू में आज एक बैठक का आयोजन किया गया। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष संजीता डोगरा की अगुवाई में हुई इस बैठक में पोषण अभियान की ओर गति देने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। संजीता डोगरा ने बताया है कि जम्मू कश्मीर को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा समाज कल्याण विभाग के साथ मिलकर काम कर रहा है और जम्मू कश्मीर को कुपोषण से कैसे मुक्त किया जाए इसकी रणनीति को लेकर भी चर्चा की गई है। में मेन काम जो दिया गया था वो है पोषण के ऊपर, तो अब आज की हमारी ये जो बैठक थी ये पोषण के ऊपर भी हमने रखी थी। इसमें हम बैठ के यही चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से हम जम्मू कश्मीर में पोषण के ऊपर काम करेंगे और यहाँ से कुपोषण के जितने भी चाहे वो बच्चे हैं थोड़े जो भी हैं उनको कैसे हमने ठीक करना है, ठीक उनको कैसे हम आहार पहुँचाएंगे और अच्छा स्वास्थ्य उनका हो, तो इसीलिए हमने यहाँ पर आज ये डिसाइड किया है कि जम्मू कश्मीर की पहले तो सबसे पहले मैं एक टीम बनाऊँगी जो कि इसके ऊपर ही काम करेगी। उसमें हम हर से एक एक दो दो बहन को भी लेंगे और जितने भी हमारे आंगनबाड़ी सेंटर होंगे उनके साथ भी हमारा मिलना बैठना होगा। आंगनबाड़ी सेंटर जो चला रहे हैं उनके साथ भी सुपरवाइजर या वर्कर जो भी होंगे उनके साथ भी हम बैठेंगे और इसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। जहां कहीं कोई कमी पेशी आ रही हो तो हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। देश की सुरक्षा के साथ साथ भारतीय सेना समाज के उत्थान के लिए भी लगातार प्रयास कर रही है। भारतीय सेना कई सद्भावना परियोजनाओं के माध्यम से समाज के उत्थान की दिशा में भी प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में सेना द्वारा सूरनकोट के कुलाली में सिलाई सेंटर खोला गया है जिसका उद्देश्य बेरोजगार महिलाओं को सिलाई कढ़ाई के हुनर सिखाकर उन्हें उनके पांव पर खड़ा करना है। इस हुनर को विकसित करने के लिए सेना द्वारा सिलाई मशीन के साथ साथ सिलाई में उपयोग होने वाली सामग्री भी महिलाओं को दी जा रही है। कुलाली गांव में लोगों ने सेंटर के लिए सेना का आभार भी जताया है। तो हम यहाँ पे इंडियन आर्मी की तरफ से स्टिचिंग करना चाहते हैं, तो इन्होंने जो भी हमारे लिए किया इस चीज के लिए हम बहुत खुश हैं, हमारे यहाँ के लोग बहुत खुश हैं, तो जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, तो आज के बाद हम यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। थैंक्स फॉर इंडियन आर्मी, अच्छा हो रहा है जो भी हो। यहाँ आज ये इंडियन आर्मी ने 3 महीने से एक कोर्स स्टिचिंग या सिलाई मशीन एक स्कीम रखी थी, उसमें आज यहाँ काफ़ी बच्चे आए हुए हैं, बच्चियाँ हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, इन्होंने अच्छा काम किया है। आर्मी ने हमारा बहुत तावन किया है मड़ा के लिए, हर इलाके के लिए, कश्मीर के लिए आर्मी भारतीय सेना का बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने हर जगह अच्छे काम किए हैं और मैं चाहता हूँ कि आगे भी इंशाल्लाह हम भी इनके साथ मिलकर अच्छे काम करें। उद्घाटन के लिए मैं रोमिया फोर्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने बच्चियों के लिए यहाँ मशीनें दी हैं कपड़े सिलाई के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, और उसके लिए उन्होंने जो तावन किया उसका बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। और ये भी मैं चाहता हूँ कि आगे भी इनका ये गुजारिश है, इनके ऐसा ये काम चलना चाहिए। ट्रेनिंग की यह है कि जब बच्ची सीख जाएंगी कपड़ा सिलने के लिए वो दूसरी बच्चियों को भी सिखाएंगे, उनके एक रोजगार बढ़ जाएगा, अपना तजारत अपना कारोबार जो है बच्चियों को भी ताकि इसमें हक मिलना चाहिए। इलाका जो है ना मड़ा का बहुत पसमानदा इलाका है, यहाँ तो पहले कोई भी कुछ भी नहीं था, रोड नहीं थी, कुछ नहीं था, बहुत पसमानदा इलाका था। अब रोड भी आ गया लेकिन अभी तो कच्ची रोड है। उसके बाद में फौज ने बहुत बड़ा तामन किया क्योंकि ये जो रोड आई है ये फौज के जरिए आई, डिफेंस रोड आई है। जम्मू के जिला सांबा के रामगढ़ सेक्टर में भारत पाक सीमा पर स्थित बाबा चमलियाल का देवस्थान चरम रोगों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रसिद्ध है। इस देवस्थान की यात्रा करने और यहां पर शक्कर व शरबत लगाने से चरम रोग खत्म हो जाते हैं। कोरोना महामारी के दौरान भी चरम रोगों से ग्रस्त लोगों का यहां पर आने का सिलसिला जारी ही था और पेश है इसी पर एक रिपोर्ट।
भारत पाक सीमा से सटा यह है बाबा दिलीप सिंह मनहास यानी बाबा चमलियाल का देवस्थान। ये देवस्थान चर्म रोग को दूर करने के लिए देश भर में मशहूर है। यहाँ पर चर्म रोगों से ग्रस्त स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहरी राज्यों के लोग भी आते हैं और बाबा चमलियाल के देवस्थान के दर्शन कर यहाँ की पवित्र मिट्टी और पानी लगाकर चर्म रोगों से मुक्ति पाते हैं। यहाँ की पवित्र मिट्टी को शक्कर और पानी को शरबत कहा जाता है। ये जो बाबा जी राजपूत थे और इस गांव में मतलब क्या था कि बाबा जी अपनी तपस्या वगैरह करते थे। नीचे शक्कर वाला तालाब है, यहाँ पे पौंड है, तो वहाँ पे बैठ कर तपस्या वगैरह करते थे। और जो भी मैं चर्म रोग का कोई इलाज रोगी आता था, बाबा जी उनको एक मुट्ठी भर के शक्कर दे देते थे और वो बंदा ठीक हो जाता था। मानता जी बाबे जो चर्म रोग जो बाबे दरबार शक्कर लाने में ठीक होंगे, शक्कर शरबत लाओ कुछ दिन रहना पैंता 21 दिन ताई, उसके बाद लोग आते हैं रेंदे हैं बाबे के ठीक होकर जाते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। उसे जो कि बाबे का लंगर जो भी है ऐसा कोई इतों चलता है। मुझे सराइस की प्रॉब्लम है कि मैं इतने कोई 2-3 महीने भी आते हफ्ता हफ्ता मैं इधर अंदर रहना शक्कर शुक्कर लाना बाबा होती आराम रहा शरीर की। लड़की का थोड़ा पैर में प्रॉब्लम आ गया, चरम रोग हो गया, तो यहाँ एक जानने वाले बगल के गांव में रहते हैं वो सऊदी अरब में, उनसे मुलाकात की, वही बताए कि आना जम्मू और बाबा चमलियाल के दरबार में जाना, वहाँ पे सही हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आए हुए हैं, 5 दिन हो गया, थोड़ा आराम लग रहा है। कहते हैं कि एक बार एक ऊंट को चर्म रोग होने के बाद उसके मालिक ने उसे घर से निकाल दिया था। चर्म रोग से ग्रस्त ऊंट भटकता हुआ बाबा चमलियाल के इस देवस्थान पर पहुंच गया। यहां आने पर ऊंट का चर्म रोग ठीक हो गया। कहते हैं कि उसके बाद उसके मालिक को भी चर्म रोग हो गया और वो भी यहां आकर पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। उसके बाद से यह स्थान चर्म रोग से ग्रस्त लोगों के लिए आस्था का केंद्र बन गया। ये कुंडा है, मालिक ने बाहर कड़ू रहा करो, वो कुछ दिन तलाई कर रहा है, मिट्टी छक्कर उसे बिंदा रहा है, तो कुछ दिन बाद ठीक हो गया। फिर वो उसके मालिक भी हुई, मैं देखा है कि मेरा ऊंट ठीक हो गया, फिर उसी प्रॉब्लम हुई है, फिर वो ठीक हो गया, फिर वो मालिक भी हुई, तो फिर वो मालिक भी दिखावा आया, फिर उन्हें शक्कर लाई, कोई बाबे का दिखावा आया, फिर उसी फिर तू ये जगह भी स्टार्ट हुई। हर वर्ष बाबा चमलियाल के इस देवस्थान पर 25 जून को मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें पाकिस्तान के रेंजर भी भाग लेते हुए बाबा चमलियाल की मजार पर चादर चढ़ाते हैं। हालांकि कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 वर्षों से यहां पर मेले का आयोजन तो नहीं हुआ, लेकिन वीरवार और रविवार के दिन बाबा के भक्तों और चर्म रोग से ग्रस्त लोगों का यहां आने का सिलसिला जारी रहता है। कितनी देर हुई है? 2 साल, 2 साल हो गए कोरोना की वजह से लगे हुए। कितनी दुनिया आंदी? दुनिया तो 2.5 लाख ला लो तुम, तो हूं भी लोग आते हैं। हाँ, तो वीरवार आते हैं, लोग बड़े आते मत्था टेकन, कोई शक्कर लाते, कितनी प्रॉब्लम बेचारे से रहने का मौका तो नहीं, चलो इस बंद का प्रबंध पूरा बंद किए, लेकिन अब वीरवार लोग आते ना अपना शक्कर ला के वापस चल जाते। सैकड़ों वर्षों से चर्म रोग से ग्रस्त लोगों के लिए बाबा चमलियाल का देवस्थान आस्था और रोग निवारण का केंद्र रहा है। इस आधुनिक युग में भी देश से ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश के लोगों में भी बाबा चमलियाल के इस देवस्थान के प्रति गहरी आस्था है। विजय कुमार के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट।
जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तारबंदी के साथ सटी जमीनों पर जल्द ही खेती शुरू करने के लिए कहा है और इसके लिए कृषि विभाग ने तैयारियां करना भी शुरू कर दी हैं और अब जल्द ही तारबंदी के साथ सटी जमीनों पर खेती लहराएगी। आपको बताते चले कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तारबंदी के पास पाकिस्तान द्वारा लगातार गोलाबारी के कारण पिछले कई वर्षों से सैकड़ों कनाल जमीन बंजर पड़ी हुई है, जिसे आबाद करने के लिए अब कृषि विभाग ने जमीनों के मालिकों और सीमा सुरक्षा बलों के साथ मिलकर ये योजना बनाई है। इसके चलते जल्द ही इन जमीनों पर फिर से खेती करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इस योजना को लेकर डायरेक्टर एग्रीकल्चर जम्मू के शर्मा ने क्या कहा है, आइए देखते हैं। बॉर्डर एरिया का जो फैलो लैंड्स हैं, ये पीछे जब डिस्टर्ब्ड एरिया रहता है तो लैंड फैलो रह जाती है। खासकर ये जो जमीन है ये फेंसिंग से आगे की है, जीरो लाइन तक। फेंसिंग हमारी थोड़ी पीछे है, फिर आगे जाके जीरो लाइन है, तो वहाँ पर कुछ एरिया जो है अनसोन रह जाता था। अब पीस है, तो कोशिश हो रही है कि हम बॉर्डर एरिया के वो वाली जमीन है उसमें कैसे खेती करें। बड़े पैमाने पे एक पॉलिसी मैटर बनाया पहले कि वो विलेजेस आइडेंटिफाई किए जो बॉर्डर के 3 किलोमीटर के अंदर की रेंज में हैं, जहाँ ये मतलब फैलो लैंड्स हैं, फिर उनको कैसे उन लैंड्स को मतलब खेती कैसे की जाए, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है ये सरकंडा घास जो है अब वो उग चुका है, तो सरकंडा घास को पहले उसको हटाना है। तो सरकंडा घास के हटाने के लिए भी एक पॉलिसी हमने पेपर गवर्नमेंट को दिया था। वहाँ के जो लोकल जो फार्मर है जिसकी वो ज़मीन है उनको इन्वॉल्व करना है उस बॉर्डर एरिया की खेती में। तीसरा, हमारे BSF के साथ भी कुछ इश्यूज़ थे, कौन सी क्रॉप उगाई जाएगी कौन सी क्रॉप नहीं उगाई जाएगी, क्योंकि कुछ टाल ग्रोइंग क्रॉप्स होती हैं जिसके लिए कुछ दिक्कत रहती है, तो हमने वो भी क्रॉप्स आइडेंटिफाई कर ली कि इस बॉर्डर एरिया में जैसे लो हाइट वाली क्रॉप्स हैं तो उनको ज़्यादा प्रमोशन वो दी जाएगी, और लोगों को एंट्री जो होगी फेंसिंग से आगे की जो एंट्री है उसमें भी उनको फैसिलिटेट किया जाएगा, उनकी टाइमिंग और सारा कुछ। तो ये हमारी मीटिंग्स वगैरह जो वाटर एरिया के किसान हैं उनके साथ भी हो रही हैं, और गवर्नमेंट का बिल्कुल क्लियर पॉलिसी है कि इस सारे एरिया को कल्टीवेशन में लाना है। पिछले साल हम एक ट्रायल कर चुके थे कठुआ में और वो बहुत सक्सेसफुल रहा। हमने एक गाँव अडाप्ट किया था, उस गाँव में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर ये काम किया था और बहुत अच्छा हुआ, इसकी रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए और बड़ी अप्रिसिएशन भी हुई। उसी को देखते हुए अब ये एक फाइनल पॉलिसी मैटर बन गया कि इस सारे एरिए को जल्दी से जल्दी कल्टीवेशन में। जम्मू के ब्लॉक बलवाल की पंचायत अम्बलुआर के गांव धर्मखू के लोगों ने जल शक्ति विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का आरोप था कि विभाग की लापरवाही के कारण उन्हें गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि वो अपनी समस्या को लेकर कई बार जल शक्ति विभाग के अधिकारियों से गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन उनकी कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो रही है। इन लोगों के मुताबिक गंदा पानी पीने से लोगों को बीमारियों का शिकार भी होना पड़ रहा है। मिला था कि बड़ा गंदा पानी मिला था सानू पीने वास्ते, एह्दे कन्नै साढ़े बच्चे बीमार होए, अस खुद बीमार हो रहे हैं, असीं मतलब डॉक्टर कोल जाने बड़ी परेशानी होंदी है, इत्थे कोई गड्डी गुड्डी साधन नहीं है। अस आखने चाहने कि ना इधर जो ट्यूबवैल बने दे ना बड़े गंदे ने, इंदे बाल उच्चे कीते जान कि ना इहदे विच असीं साफ पानी मिले, जोदे कन्नै मतलब साढ़े बच्चे भी सुरक्षित रौह्न, अस खुद सुरक्षित रोचै। मतलब साढ़ी इयै उम्मीद है कि मतलब अस ठीक ठाक रोचै। एक कुआं था, इसका पूरी दुनिया पानी इसका पीती थी, अब ये डागबैल बनाया है और इसकी जो है हालत है ये बहुत खस्ता हालत बनी हुई है। जो पानी जो है ये पानी में डूबे हुए हैं, जो बाल लगाए हैं उन्होंने गंदे पानी में डूबे हुए हैं, और वो ही पानी इनके पाइप के अंदर जाता है और वो ही लोग पीते हैं। जैसे हमारे सरपंच साहब ने अभी बताया कि जहाँ कुत्ता मरा हुआ था बीमारी का, और इस कुत्ते को कीड़े भी पड़े थे और इसको इन्होंने निकाला, इकट्ठे हो गए सब लोगों ने, और बार यही पानी जो है पैपों में जा रहा है और ये लोग पी रहे हैं और ये बीमारी का शिकार हो रहे हैं। इसमें देखो कि इन्होंने इतना गंदा पानी है जहाँ पर कुत्ते आते हैं, मरा हुआ कल इधर एक कुत्ता पड़ गया था, वो पता नहीं उसको क्या वो दूसरा बीमारी हो गई थी, को इधर उसके बीच में गिर गया था, उसको हमने बुरी तरह से बाहर निकाला, उसका वो बिल्कुल गल गया था, कीड़े पड़े हुए थे उसको। वही पानी है जो इस पानी में जा रहा है और लोगों के घरों में सप्लाई हो रहा है, लोग बेचारे बीमार हो रहे हैं। मैं पिछले 3 साल से, अभी दिसंबर में 3 साल पूरे होने वाले हैं,
तीन साल से मैं दौड़ दौड़ के अपने इसमें डिपार्टमेंट को, पहले जो पीएचई था अभी जल शक्ति बना दिया इन्होंने, दौड़ दौड़ के बार बार इनके एक्शन के पास भी गए हैं, चीफ इंजीनियर साहब के पास भी गए हैं, लेकिन इनके कान पे जून ही रूंग रही, लोगों के सेहत के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। ये छोटा सा काम है, ये काम नहीं कर रहे हैं, बोलते हैं टेंडर लगाया है, टेंडर लगाया है, पता नहीं कौन सा टेंडर लगाया है, किस कंपनी ने लिया है, लगाया भी है या नहीं लगाया है, लेकिन हमारी कोई सुन नहीं रहा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।